मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। अब उनके और हाथ करके कहा ही बिलोंग्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द। मैंने कहा ही इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज इनसाइड द फ्रंट बट आउटसाइड द गवर्नमेंट। और फिर मैंने कहा ही इज मिस्टर रमाकांत खलम, he is the only member of his party and he is the government। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिवंगत प्रमोद महाजन एक बार चीन गए और वहां से आकर भारत के लोकतंत्र का एक किस्सा सुनाया जो इस समय खूब वायरल हो रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस वक्त सरकार बनाने को लेकर जो रस्साकशी चल रही है, प्रमोद महाजन ने उसकी कहानी 1997 में देश को बता दी थी कि आखिर भारत के लोकतंत्र में ऐसा क्यों होता है। अभी हाल फिलहाल में 4 जून को रिजल्ट आए, वोटों की काउंटिंग शुरू हुई जिसमें किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला। 543 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 240 सीट, कांग्रेस को 99 और बाकी अन्य पार्टियों को मिली, यानी कि देश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर, सपा तीसरे और बाकी अन्य पार्टियां उसके बाद हैं। लेकिन डेमोक्रेसी का कमाल देखिए कि इस वक्त सरकार बनाने को लेकर जो रस्साकसी चल रही है, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश में है और सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में रहने को मजबूर हो सकती है। इस देश में मौजूदा हालातों के बीच दिवंगत प्रमोद महाजन का वीडियो इसीलिए तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि यही बातें उन्होंने 1997 में बता दी थी। और इस वीडियो में ही बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन संसद के अंदर डेमोक्रेसी का कमाल बताते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो साल 1997 का है, उस दौरान प्रमोद महाजन सांसद थे और उनकी पार्टी बीजेपी विपक्ष में थी। प्रमोद महाजन ने संसद में तत्कालीन पीएम देवगौड़ा के विश्वास प्रस्ताव के दौरान एक उदाहरण सुनाया था जिसे सबसे पहले आपको सुनना चाहिए। अब मैं जब चीन में गया, रमाकांत जी भी थे, चिंतामन तानिक रहे थे, बहुत यहाँ के मित्र थे, कुछ राज्यसभा के थे। जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है, क्योंकि उन लोगों का तो संसद अलग, इलेक्शन अलग। तो रमाकांत जी थे और बड़े नेता हैं, लेकिन पुरानी मित्रता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर बताइए भाई कैसी चलती है, चर्चा करो इनसे। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी। तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूँ, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूँ, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। चीनी आदमी मेरे को देखते, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैंने कहा वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन द अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानीग्रह की ओर हाथ कर दिया। मैंने कहा ये है, वो सामने है, सॉरी श्रीवल्लभपाणी, माफ करना, वो सिंह का सिंह करते तो थोड़ा हो जाता है। अब उनके ओर हाथ करके कहा ही बिलोंग्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा ही इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज इनसाइड द फ्रंट बट आउटसाइड द गवर्नमेंट। और फिर मैंने कहा ही इज मिस्टर रमाकांत खलम, ही इज द ओनली मेंबर ऑफ हिज पार्टी एंड ही इज द गवर्नमेंट। तो सुना आपने किस तरह से दिवंगत प्रमोद महाजन ने बताया कि चीन में एक संसदीय यात्रा थी, हम वहां गए, चीन में लोकतंत्र को लेकर बड़ी उत्सुकता थी, वहां के लोगों ने हमसे पूछा कि आपके यहां डेमोक्रेसी कैसे चलती है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रमोद महाजन लोकसभा का सदस्य हूं, मेरी पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी है और हम विपक्ष में हैं। चीनी नागरिक मुझे गौर से देखने लगा, उसने पूछा आपकी पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी है, मैंने कहा हाँ। फिर मैंने चिंतामणि जी की ओर हाथ किया, मैंने बताया कि ये संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, लेकिन यह सरकार से बाहर रहकर सरकार को समर्थन कर रहे हैं। फिर एक और नेता थे, उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि इनकी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और ये फ्रंट पर है लेकिन सरकार से बाहर है। फिर मैंने रमाकांत जी का परिचय कराया, मैंने कहा कि ये अपनी पार्टी के अकेले नेता हैं और इन्हीं की सरकार है। तब महाजन के इस भाषण को काफी सराहना मिली थी। इतना ही नहीं, उनके इस भाषण को लोग देश के मौजूदा हालातों को देखते हुए खूब शेयर कर रहे हैं। फिलहाल ये कहानी भारतीय लोकतंत्र के उस दौर की है जब केंद्र में गठबंधन सरकारों का चलन शुरू हुआ था, यानी बात 1996 की है जब आम चुनाव हुए और आम चुनाव के बाद जनता ने किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया था। बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े 272 से काफी दूर रही।
कांग्रेस को 140 सीटें मिली थी। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने कोई चारा ना देख सबसे बड़े दल बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। अटल बिहारी वाजपेयी को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई और बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 2 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। बीजेपी के लिए 161 से 272 का आंकड़ा जुटाना मुश्किल था, ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानती थी। फिर भी जसवंत सिंह और प्रमोद महाजन जैसे तिकड़मी माने जाने वाले नेताओं को संख्या बल जुटाने का काम सौंप दिया गया। बाबरी विवाद के बाद बीजेपी की छवि सांप्रदायिक बन चुकी थी, लिहाजा पूरी मशक्कत के बाद भी पार्टी 194 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। सिर्फ हरियाणा विकास पार्टी, समता पार्टी, शिवसेना, अकाली उनके साथ खड़े थे। 13 दिनों बाद वे पल आया जब सरकार को बहुमत साबित करना था। लोकसभा में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने बीजेपी को घेरा कि उसने संख्या बल ना होते हुए भी सरकार बनाई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी समझ गए कि सरकार का गिरना तय है। उन्होंने फैसले को सही साबित करने की कोशिश की और सदन में जोरदार भाषण दिया। उस दिन अटल अपने चरम पर थे और उनके भाषण से लगा जैसे वे अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये पहला मौका था जब विश्वास मत पर बहस का सीधा प्रसारण किया गया। वाजपेयी चाहते थे कि जनता में ऐसा संदेश जाए जैसे उनकी सरकार को विपक्षी दलों ने मिलकर गिरा दिया। वे शहीद दिखना चाहते थे। अटल ने कहा, जब राष्ट्रपति ने मुझे सरकार बनाने के लिए बुलाया तो क्या मैं सदन छोड़कर चला जाता? क्या मैं पलायन कर जाता? वाजपेयी ने नेता विपक्ष से कहा कि जिस अगली सरकार के बारे में सोच रहे हैं उसका जन्म लेना मुश्किल है, जन्म ले भी लिया तो उसका जीवित रहना मुश्किल होगा। एक लंबे भाषण के अंत में वाजपेयी ने कहा कि हम संख्या बल के आगे सिर झुकाते हैं लेकिन राष्ट्र निर्माण के अपने उद्देश्य में लगे रहेंगे। अध्यक्ष जी, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। और इस तरह 13 दिनों के अंदर ही वाजपेयी की सरकार गिर गई। 1997 में दिवंगत नेता प्रमोद महाजन ने इसी को सभी को बताने की कोशिश की थी, क्योंकि तभी से गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और 1996 से 1998 के बीच देश ने गठबंधन सरकारों के 3 प्रधानमंत्रियों को आते और जाते देखा। 1996 से शुरू हुआ गठबंधन सरकारों का चलन आज भी जारी है और एक बार फिर 2024 में वही दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार कोई भी बनाए गठबंधन की ही बनेगी, क्योंकि बहुमत किसी भी पार्टी के पास नहीं है। ये कहा जाता है ना कि इतिहास खुद को दोहराता है और इस वक्त वही हो रहा है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।